study about trigonometry. Trigonometry is basically a branch of mathematics that deals with the angles, which means in trigonometry we basically talk about the angles. हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम किसी भी ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं, उसे राइट एंगल ट्राइंगल बना के कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो राइट एंगल है एंगल सी पर, तो हमें एक एंगल चाहिए होता है थीटा। जब तक हमें थीटा पता नहीं होगा कि कौन सा एंगल थीटा है, तब तक हम लोग ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है, क्योंकि थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर हमें थीटा नहीं पता है तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टी रेशियोज। टी रेशियोज स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला आता है साइन थीटा, जिसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों जो होते हैं ये मेन होते हैं, साइन कॉस टैन, दीज थ्री आर द मेन टी रेशियोज। बाकी जो होता है जैसे कॉट थीटा है वो टैन का इनवर्स है, फिर जैसे सेक थीटा है वो कॉस का इनवर्स है, फिर जैसे कॉसेक थीटा है वो साइन का इनवर्स है। मतलब ये तीन बेसिक टी रेशियोज हैं और ये तीनों इनके इनवर्स हैं। अगर इसी से रिलेटेड अगर हमें इसे लर्न करना हो तो इसके लिए हमारे पास एक यू कैन से ट्रिक होती है, पी बी पी एच एच बी। पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर बेस, एच एंड एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। ये किसका हो गया, ये साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का हो गया, ये टैन थीटा का हो गया, और इसका इनवर्स किसका हो गया, कॉट का, सेक का एंड कॉसेक का। इसको हमें इसका ऑर्डर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि जहां पे साइन थीटा हमारा 8/17 गिवन है, तो हमें सारे टी रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो जब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गिवन है, इसकी वैल्यू है 8/17, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर 8 दिया है, हाइपोटेनस 17 दिया है। तो हम पाइथागोरस का यहाँ पे यूज करेंगे और हम अपना आंसर मतलब बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। किससे फॉर्मूले से निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आ गए 15 आ गए। जब हमारे पास हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, देन वी कैन सॉल्व ऑल एंगल्स। तो हम सारे एंगल्स को, सारे टी रेशियोज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ इनके प्लेस पे अपनी वैल्यू को पुट आउट।